फेसबुक लाइव आप इस वक्त देख रहे हैं मुझे और मेरे साथ ओला कैब के एक ऐसे ड्राइवर मौजूद हैं जो उनकी कार की क्या क्या खासियतें हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं चाहूंगी आप ड्राइव करते रहें, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, बस अपनी बात रखते रहें जो बातें आपने मुझे बताई थी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव शाह फ्रॉम ओला एंड उबर, आई बोथ आई ड्राइव्स। मैं चाहूंगी हिंदी में आप बोलें। मैं दोनों कार चलाता हूं, ओला और उबर, और मैं अभी खुद की कैब लॉन्च कर रहा हूं, फ्यूचर कैब करके, वो अहमदाबाद के लिए है और आउट स्टेशन के लिए है। अच्छा, मैं चाहूंगी आप सामने देख के गाड़ी चलाएं, लेकिन ये बताएं कि क्या क्या है आपकी इस कार के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिक फीचर्स इज यू कैन पे बाय कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड इन माय कैब, यू कैन विथड्रॉ मनी एज वेल, यू कैन टॉप अप योर मोबाइल, स्मॉल फ्रिज इज हियर, सो यू कैन ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एज वेल, फ्री वाईफाई, ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, राइट, ठंडा पानी है, स्मॉल वाईफाई फॉर द कस्टमर्स, मूवीज यू कैन वॉच मूवीज, स्मॉल स्क्रीन इज हियर, सो यू कैन, सेवन टाइप ऑफ लैंग्वेज मूवीज आई हैव, लाइक हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, सो एनी कस्टमर्स दे कैन एंजॉय द मूवीज, इवन आई कैन स्पीक सेवन लैंग्वेजेस। आप सात भाषाएं बोलते हो, कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती। तो इतनी सारी लैंग्वेज सीख कर, और आपने कहा लंदन में भी आपने कुछ वक्त बिताया है। कंप्लीट माई MBA फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, आई एम अ टॉपर्स। MBA कंप्लीट करके अब ये ओला कैब को ही क्यों चुना आपने, फिर ये ड्राइवर बन के आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप बताओ। मतलब सबके मन में ये सवाल होगा, हालांकि ये भी अच्छा प्रोफेशन है, लोग इंजॉय करते हैं इसको, लेकिन इतनी ज्यादा पढ़ाई करके फिर आपने क्यों चूज किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन इंडिया आई कांट गेट अ जॉब मोर देन 30,000। हाँ, ओवर देयर आई वाज वर्किंग इन अ पोस्ट ऑफिस इन लंदन। अच्छा, so after when I come back I decide I have 3 cars, why should I not join this kind of company, start my career with Uber, start with a motor two wheelers, okay, I never hesitate or I never regret myself, main kabhi bhi upset nahi hota tha, koi bhi kaam karne mein chota bada nahi samajhta hu, long as you are happy and long as you are earning money, so kitne paise kama lete ho aap? 1 to 2 lakhs, 1 to 2 lakh rupaye har mahine, aapke paas 3 car hain, एक को आप खुद ड्राइव कर रहे हो और बाकी दो ड्राइवर रखा हुआ है आपने, और क्या उन दोनों ही कारों में इसी तरह की फैसिलिटी है, मतलब एक छोटा सा फ्रिज, वाईफाई, फिल्म दिखाने के लिए, मतलब एवरीथिंग? इनोवा है, उसके अंदर हमने DC के साथ वो करवा, मॉडिफिकेशन करवाई हुई है। अच्छा, उसमें इनबिल्ट बैक मसाजर है। ओके, गुड। उसमें भी जैसे हेड मसाजर और बैक मसाजर हमने दिया हुआ है। अच्छा, सो कस्टमर कैन गेट फील रिलैक्स्ड व्हाइल ट्रैवलिंग, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट वाटर्स, सो दे कैन एंजॉय कैब्स। अच्छा, तो इसलिए आपने ये खास व्यवस्था करके रखी हुई है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि कैब बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, हाँ, कि यू कैन फील फ्री, व्हेनेवर यू वांट टू गो यू कैन गो, माय फर्स्ट हॉबी इज ट्रैवलिंग, सो आई एंजॉय दैट लॉट, सो आई नेवर रिग्रेट। लोग ये बोलते हैं कि आप MBA करके गाड़ी क्यों चला रहे हो, हाँ हाँ, सो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉन्ग एज यू सेटिस्फाइड योर सेल्फ, डोंट थिंक अबाउट द पीपल्स व्हाट दे थिंक अबाउट यू, अगर आप वो सोचोगे तो कभी आगे बढ़ पाओगे नहीं। लेकिन ये बात तो सही है जो आपने कहा कि इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके आमतौर पर कैब को चूज करना, ये अपने आप में बेहद सरप्राइज है कि आप कैब को चूज करो और फिर उसके मतलब ड्राइवर के तौर पर आप। ग्रेट, आई डू एनी काइंड ऑफ जॉब। आप कहाँ के रहने वाले? गुजरात में। मैं गुजरात अहमदाबाद से रहने वाला हूँ। अहमदाबाद से रहने वाले हो आप? अच्छा, ग्रेट। ये बताइए कि आपने कहा 1 से 2 लाख आप कमा लेते हो, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं इसमें? Sometimes customers are so behaving rudely, so when you politely ask them, tell them, sir, where you want to go, when you nice with them, so मैं नहीं जानता कि अगर आप किसी से nicely बात करो तो आपको rudely जवाब देगा। अच्छा, आपने कहा आपके पास एक छोटा सा ATM है, मैं पैसे निकाल सकती हूँ उससे? पैसे निकाल सकती हूँ, आपको पे कर सकती हूँ? पे मी ना, मतलब पैसे तो नहीं, मैं निकाल सकते हो? हाँ, 1,000 रूपए आप दे सकते हो, अगर हम इससे पे बाई कार्ड करें तो 1,000। अच्छा, मतलब 1,000 ही कटेंगे ना फिर मेरे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अच्छा, 10 रूपीज चार्ज है और 1,000 रूपीज कटेंगे विड्रॉ पे। अच्छा, मतलब इसमें मैं पे करती हूँ तो 1,000 रूपए आप मुझे दोगे कैश और 10 रूपए आप मुझसे एक्स्ट्रा लोगे? हाँ, 2% रहता है उनका। हाँ, मैंने फिक्स रखा है कि 1,000 के अंदर 200
10 रुपए। अच्छा मैं जहाँ जा रही हूँ आप मुझे मतलब आप रास्ता देखते रहना, मतलब ऐसा ना हो टाइम पे। ओके राइट, तो पैसे निकालूं मैं एक बार चेक करूं, मतलब कैश तो लेकिन आप अपनी जेब से दोगे ना, है ना, इसमें बस मुझे स्वाइप करना होगा। ओके स्वाइप कर दूंगी तो मेरे अकाउंट से पैसा आपके पास चला आएगा और फिर आपके पास जो कैश है वो कैश आप मुझे दे दोगे और उसके बदले में आप 10 रुपीज चार्ज करोगे। अगले लेवल पे ले जाने चाहता हूँ कि जहाँ पे लोग इंजॉय भी कर सकते हैं राइड को और सेफली फील कर सकते, सेफली फील कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज ये बताइए, गुजरात में किसके पक्ष में माहौल है? दिस इज वेरी डेबिटेबल क्वेश्चन यू आस्क मी। डेवलपमेंट हुआ है गुजरात में, विकास हुआ है? विकास तो बहुत ही हुआ है, हुआ है 101% विकास है। और मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा आई रियली लव मोदी जी। क्यों? बिकॉज उनके आने के बाद 10 ईयर्स में गुजरात का बाकी अच्छा हुआ है। लेकिन अब तो वो केंद्र में चले गए तो उसका नुकसान भी हुआ है। हर जगह पे गलत और सही होता रहता है, पर मोदी जी का एक है वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। मेरे साथ मैं जिस कैब में मौजूद हूँ, गौरव शाह इस कैब को चला रहे हैं, MBA किए हुए हैं, लंदन से भी इन्होंने पढ़ाई कर रखी है, इनके पास 3 कैब हैं, एक छोटी सी कैब, ये कौन सी गाड़ी है? इसको ये खुद ड्राइव कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि 1 से 2 लाख रुपए आराम से हर महीने ये कमा लेते हैं, खुद का काम करना चाह रहे थे इस वजह से इस बिजनेस को उन्होंने चुना। और साथ ही एक बहुत छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है जिसमें ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक्स आपको मिल सकते हैं, एक ऐसी मशीन रखी हुई है जिसपे स्वाइप आप करेंगे 1000 रुपए ATM मशीन। मैं चाहूंगी एक बार आप मुझे दो, ये देखिए ये ATM मशीन है और इसमें स्वाइप करने पर 1000 रुपए ये आपको कैश देंगे और 10 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो ये व्यवस्था इन्होंने कर रखी है और भी इसमें कैब बहुत छोटी सी है लेकिन इसके अंदर आपको एयर प्यूरिफायर भी है, वो तो आमतौर पे गाड़ियों में मिल जाती है, साथ ही मूवी देखने की भी पूरी व्यवस्था, यानी कि जो भी कस्टमर इनका आता है इनकी गाड़ी में बैठने के लिए उसके एंजॉय की पूरी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खैर ये बात सच है कि जब भी हम ड्राइवर के पेशे की बात करते हैं तो एक मानसिकता इस तरह की होती है कि बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसको अपनाने से हिचकते हैं, लेकिन कम से कम अहमदाबाद में गौरव से मिलकर ये लगता है कि अपने इस प्रोफेशन से बहुत खुश है, बहुत पैशनेट भी है इस चीज को लेकर और इनका ये मानना है कि आगे इनका ये बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा, भले ही ये एक छोटी सी कार को ड्राइव करते रहे लेकिन अच्छा खासा पैसा भी ये अर्न करते हैं, 1 लाख से 2 लाख रुपए इनकी कमाई है हर महीने की। तो इसके जरिए हमने आपको, और देखिए इस वक्त कम से कम 1400 लोग जो है वो देख रहे हैं, गौरव आपको सीधे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, क्या मैसेज देंगे उन सभी को? हाय एवरीवन, Never regret yourself, only be confident, so do any kind of works. चलिए गौरव कभी आगे बढ़ेंगे ही। बिल्कुल, अगर मन में एक इच्छा है आगे बढ़ने की, काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता और छोटे भी काम को आप इस अंदाज में कीजिए कि वो काम बहुत बड़ा हो जाए। फिलहाल अहमदाबाद में मैं मौजूद हूँ और मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी सी, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। गौरव इस बार मुझे मिल गए, आप फेसबुक पे हो? फेसबुक पे हो, ग्रेट गुड, फेसबुक पे हैं। गौरव ने कहा है कि आप मुझे टैग कीजिएगा, मैं देखूंगा। तो फिलहाल अहमदाबाद से अभी मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम कार के अंदर अगर इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। गौरव मोदी जी के बहुत बड़े वाले फैन हैं, उनका ये कहना है कि गुजरात में विकास हुआ है लेकिन अब की बार गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, ये जानने के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ।